हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। फिलहाल दोस्तों, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है उन कैंडिडेट के लिए जो भी कैंडिडेट एसएससी जीडी 2022 वाली कांस्टेबल भर्ती की जो वेट कर रहे हैं, जो कि आपका दिसंबर में आने वाला है। तो वो कैंडिडेट के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके उनको जो है वैकेंसी के बारे में थोड़ा जानकारी मिलेगा कि कितने सीटों पर जो है, कितने पदों पर जो है भर्ती आने वाली है। ठीक है, और जो भी कैंडिडेट 2021 वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग बेसब्री से वेट कर रहे हो कि फिजिकल का रिजल्ट कब आएगा कब आएगा। तो वो अब टाइम ख़त्म हो चुका है, तो रिजल्ट जो है आपका वो कभी भी आ सकता है, क्योंकि अपने जो ग्रुप है नेशन फर्स्ट क्लब ग्रुप जो है, उसमें जो है आप लोगों में से ही कोई कैंडिडेट है जो कि एसएससी को कॉल किया था। तो वो कॉल करके वो पूछा कि रिजल्ट जो है वो कब तक जारी कर सकता है। तो उधर से जवाब जो है वो आपका वो अगस्त को लेकर कह रहा था कि लास्ट अगर जुलाई में नहीं आता है तो अगस्त का फर्स्ट वीक तक जो है वो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है। आप लोग थोड़ा सा इतना दिन वेट किए हो तो थोड़ा सा और वेट कर लो, रिजल्ट एकदम डेफिनेटली है वो आ जाएगा। जैसे ही आएगा मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, अब आते हैं इस मुद्दे पे। तो दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट इस वीडियोस को देख रहे हैं, तो 84,405 पदों पर जो रिक्तियां हैं वो आपका CAPF में नई भर्तियां अभी बाकी है। ठीक है, और ये जानकारी आपको पिछले दिनों जो है आपको न्यूज़ में आया हुआ है, और इसमें जो है आपका SSCGD है, CPU है, असिस्टेंट कमांडेंट है। तो जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो जितने भी तमाम कैंडिडेट SSCGD कांस्टेबल 2022 वाली भर्ती के लिए वेट कर रहे हो, उन सभी के लिए तो ये एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि कितने पदों पर भर्तियां आने वाली है। तो चलिए गाइज, बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो SSCGD से रिलेटेड जो भी ऑथेंटिक और सही न्यूज़ जानकारी पाना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये नीचे बटन दिया हुआ, आप उसे दबा के सब्सक्राइब कर लो और ऑल बटन पे प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये न्यूज़ आपको बुधवार को जो है ये न्यूज़ आया हुआ है राज्यसभा में, जो है उन जो नित्यानंद राय जी है, जो आपका गृह राज्य मंत्री है, उनसे सवाल पूछा गया कि CAPF में जो है आपका कितनी भर्तियां हैं और कब तक जो है आप उसे कंप्लीट कर लेंगे। तो वो यहाँ पे देखो क्या कहा है। तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा में सूचित किया कि सरकार ने दिसंबर 2023 तक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि CAPF में 84,405 मौजूदा जो रिक्तियां हैं उसको भरने का निर्णय लिया है। तो 2023 तक जो है आपका दिसंबर 2023 तक जो है ये जितनी भी वैकेंसी है ये कम्प्लीटली भर लिए जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। भाजपा सांसद अनिल अग्रवाल के लिखित प्रश्न पर जो है उत्तर देते हुए मंत्री ने आगे कहा कि जो कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी है, जो जनरल ड्यूटी है, हम लोग SSCGD के बारे में जानते हैं, तो 25,271 पदों को भरने के लिए पहले ही आयोजित की जा चुकी है। यानी कि 84,405 जो वैकेंसी है उसमें आपका 25,271 वैकेंसी जो आपका SSCGD 2021 के नाम से था ये पहले ही निकल चुकी है। ठीक है, और उसकी प्रक्रिया भी प्रोसेस चल रही है, फिजिकल कंप्लीट हो गया और बच्चे कैंडिडेट जो है आपका फिजिकल का वेट कर रहे हैं, मेडिकल का वेट कर रहे हैं, मतलब फिजिकल रिजल्ट का वेट और मेडिकल का वेट कर रहे हैं। तो 84,000 में से जो है आपका 25,000 वैकेंसी तो पहले ही हो चुका है, बाकी बचे जो है आपके वैकेंसी आगे बात करेंगे। तो ये जानकारी दी है, और उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार ने दिसंबर 2023 तक CAPF में मौजूदा रिक्त को भरने का फैसला लिया है। और राज्य मंत्री जो है द्वारा साझा किए गए आंकड़ों में जो है आपका यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो असम राइफल में जो है आपका 9,659 सीट है, BSF में 19,254 सीट है, CISF में आपका 10,918 सीट है, CRPF में सबसे ज़्यादा सीट है 29,985 सीट, और आपका ITBP में 3,187 है, और आपका SSB में 11,402 सीट है। तो ये इन्होंने 84,405 के पांच जो भर्तियां हैं, रिक्तियां हैं, उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने ब्यौरा दिया है। लेकिन वहाँ पे एक बात ये भी कहा है कि 84,405 है, उसमें 25,000 वैकेंसी जो है आपका वो प्रक्रिया में है। ठीक है, तो 25,000 तो उसमें से घटा ही लो, तो 84,000 में आप लोग अगर 25,000 समथिंग घटाते हो तो आपका कितना बचेगा, वो इधर 5 घटा लो और उधर 60 यानी कि आपका 60 या फिर 58 के आसपास या 59 के आसपास बचेगा। ठीक है, अगर आप टोटली वो 400 और इधर 700 भी घटाओगे तो अप्रॉक्स जो है आपका वो 58,000 के आसपास मैक्सिमम जो है आपका वो बचेगा। ठीक है, अब 58,000 में आपका ऐसा नहीं है कि ये GD ही होगा, इसमें आपका CPO भी होगा और असिस्टेंट कमांडेंट भी होगा।
तो एक लमसम अगर हम लोग मान लेते हैं कि सीपीयू में वैसे तो ज़्यादा सीट निकलती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम उसमें 3,000 मान ले और असिस्टेंट कमांडमेंट जो कमांडेंट है तो उसमें अगर 1,000 सीट अगर मान लेते हैं तो लगभग 4,000 सीट आप उसमें भी अगर निकाल दोगे तो फिर भी जो है आपके पास 54,000 सीट बचते हैं जो कि आपका जीडी की भर्ती होगी। ठीक है, तो इससे मैं एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ, ठीक है, ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है, तो एक लमसम बता रहा हूँ कि जो वैकेंसी आएगी एसएससी जीडी की उसमें जो है आपका लमसम 54-55 हज़ार जो है आपका सीटें होंगी। ठीक है, आप जो भी अब यूट्यूब पे कह रहे हैं कि 80,000 सीटें होंगी, 84,000 सीटें होंगी, तो ऐसा नहीं है। आप लोग साफ 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 आंकड़ा देख रहे हो, आंकड़ा भी उन्होंने बताया है कि कितना सीट है और उसमें 25,000 वैकेंसी पहले ही चल रही है। ठीक है, तो ये बात वहाँ पे कही है, तो 25,000 निकाल ही दो उसमें से, उसके बाद बाकी बचे में आपका सीपीओ और असिस्टेंट कमांडेंट का भी निकाल दो, तो लगभग लमसम जो है 54-55 हज़ार सीट जो है आपको वो एसएससी जीडी 2022 में देखने को मिलेंगी। और क्या बोलते हैं उसको यार, तो ये वैकेंसी आपको मिलने वाली है। ओके, तो ये वैकेंसी आपका एक बहुत बड़ा वैकेंसी है और मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद 2023 के बाद पता नहीं कब एसएससी जीडी की वैकेंसी इतनी बड़ी देखने को मिलेगी। और ये 2021 से दुगना वैकेंसी है, 2021 में 25,000 है तो लगभग 25,000 का दुगना कर लो 50,000, तो 54-55 हज़ार के आसपास जो है एक्स्ट्रा सीट है जो है आपके पास एसएससी जीडी 2022 के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है आप सभी कैंडिडेट के लिए जो नए कैंडिडेट है एसएससी जीडी 2022 की सपना देख रहे हैं, और कुछ कैंडिडेट 2021 वाले भी होंगे जो कि रिटेन एग्जाम में निकल चुके हैं, फिजिकल में निकल चुके हैं, और अभी जो आपका ये रिजल्ट आने वाला है फिजिकल का उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि बाहर होंगे। तो निराश नहीं होना है, एसएससी जीडी 2022 वाली भर्ती आपके लिए वेट कर रही है और इससे दुगना भर्ती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ था आप सभी के लिए जो भी कैंडिडेट एसएससी जीडी 2022 की तैयारी कर रहे हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो भी कैंडिडेट जो भी यूट्यूब पे देख रहे होंगे 80,000-84,000 सीट अगर कह रहे हैं एसएससी जीडी के लिए तो वो बिल्कुल फेक है, वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपके सामने ये जो गृह राज्य मंत्री है नित्यानंद राय जी ने ये साफ साफ कह दिया है कि इतना सीट है और 25,000 पहले से चल रही है, तो 25,000 उसमें घटा दो, बाकी बचे जो आपका सीपीओ और असिस्टेंट कमांडेंट का भी निकाल दो आपका जो वो वैकेंसी है। ठीक है, तो बस ये एक छोटा सा न्यूज़ था, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना, और जो भी कैंडिडेट टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से हमारे ग्रुप में नेशन फर्स्ट क्लब ऐसे सर्च कर लोगे टेलीग्राम पर, वहाँ पर भी मिल जाएगा, ऐसे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके ऐड हो सकते हो। ठीक है, और आने वाले टाइम में मैं आपको एसएससी जीडी 2022 के प्रति जो है आपको स्ट्रेटेजी वीडियो डालूंगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है। देखो, तैयारी करने के दो ऑप्शन हैं, एक आपका ऑनलाइन एक आपका है ऑफलाइन। ऑनलाइन में आप बहुत सारे तमाम यूट्यूब चैनल हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे सर भी हैं जो कि अपने कोर्सेस में आपको तैयारी करा रहे हैं, तो अगर आपको ऑनलाइन जाना चाहते हो तो आप उसे ऑनलाइन जाके तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी आपके पास 5 महीने लगभग है तो आप उधर स्टार्ट कर दो। अगर आप सेल्फ स्टडी के ऊपर डिपेंडेंट हो तो सेल्फ स्टडी से भी ये एसएससी जीडी के एग्ज़ाम निकाला जा सकता है, ये कोई बड़ा वास्ट एग्ज़ाम नहीं है, आप इजिली से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, लेकिन आपको सही गाइडेंस होना चाहिए ऑफलाइन मतलब कि सेल्फ स्टडी में। तो बने रहना मेरे वीडियो के साथ और मेरे चैनल के साथ, समय पे आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जो कि आपको मदद करेंगे एसएससी जीडी 2022 में सिलेक्शन लेने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे डिस्कशन सॉरी कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप वहाँ पे कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ लो, मैं आपको समय रहते रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ, तब तक ले दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम।